भोपाल में राष्ट्रपति चुनावों के लिए सोमवार को मतदान है। मध्य प्रदेश के 230 विधायक राष्ट्रपति को चुनने के लिए भोपाल स्थित विधानसभा के समिति कक्ष में मतदान करेंगे। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। विधानसभा में राष्ट्रपति चुनावों के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं यशवंत सिन्हा यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। राष्ट्रपति चुनाव के एक दिन पहले रविवार शाम को विधानसभा में वोट डालने और सारी व्यवस्थाओं को लेकर रिहर्सल की गई। रिहर्सल के दौरान विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लाइन में लगकर क्रम अनुसार मतदान किया। इस दौरान विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार को कांग्रेस, भाजपा समेत सपा, बसपा और निर्दलीय विधायक भी अपना वोट डालेंगे। बीते दिनों द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा भोपाल का दौरा कर चुके हैं, जहां उन्होंने विधायकों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। राष्ट्रपति चुनाव को यादगार बनाने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के गौरवशाली इतिहास को दर्शाती एक फोटो गैलरी भी तैयार की गई है। इसे समिति कक्ष के पास प्रदर्शित किया गया है। मतदान के लिए आने वाले विधायक इसके जरिए मध्य प्रदेश विधानसभा में इतिहास में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं से परिचित हो सकेंगे। वहीं शाम 5 बजे मतदान खत्म होने के बाद प्रमुख सचिव एपी सिंह अधिकारियों के साथ मत पेटी को सील कर फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। गौरतलब है कि एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के चुनाव में आमने सामने हैं। भारत का 15वां राष्ट्रपति चुनने के लिए 4000 से अधिक सांसद और विधायक आज अपना मत डालेंगे। कई क्षेत्रीय दलों के द्वारा झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने के साथ संख्या स्पष्ट रूप से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में है। इन दलों में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, ओडिशा के सीएम नवनीत पटनायक की बीजू जनता दल, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, शिरोमणि अकाली दल, मायावती नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी, टीडीपी, वाईएसआरसीपी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।